नमस्कार मित्रों, मैं अमरेंद्र कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर यानी लेखक हूं, और जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। लगभग 2 वर्ष के इंतज़ार के बाद आज मेरी लिखी पुस्तक जीवन प्रबंधन कैसे करें ये मेरे हाथ में है। ये इसका दूसरा कवर है। मैं इस बुक के संबंध में आपसे चर्चा करूँगा, आपको कई चीज़ बताऊँगा। उससे पहले किसी किताब को लिखने में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखिए। ये इसके प्रिंट आउट्स हैं, पहला प्रिंट ये निकाला, फिर इसमें करेक्शन था, फिर ये निकाला ये, फिर ये लगा इसमें ये जोड़ दिया जाए, फिर इसमें ये लिखा कि ये भी जोड़ दिया जाए। इतने के बाद ये इसकी मेन स्क्रिप्ट है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो इसकी डिज़ाइन है, जीवन प्रबंधन कैसे करें, इसका ये कवर मैंने खुद बनाया है। इसमें सबसे ऊपर जीवन और लास्ट में मृत्यु, बीच में कुछ पॉइंट्स हैं। बीच में कुछ पॉइंट्स को देखेंगे तो परिवार है, फैमिली मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, सोशल हेल्थ मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की इन हेडिंग्स के ऊपर मैंने लिखा है। अब चलते हैं आगे। पहला पेज, कैमरा आगे करो। इसमें मैंने लिखा, जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखना आवश्यक है। फोल्डर था, सबसे पहला पेज समर्पित। इसे मैंने अपने पूज्य माताजी श्रीमती किशन देवी और पूज्य पिताजी अमृतलाल वर्मा जी, जो मेरे गुरु भी थे, मेरे मित्र भी थे, और जिनसे मैंने जीवन में सीखा, उनको ही समर्पित किया। इसमें मैंने लिखा, टीचर, लेखन, सामाजिक एवं साहित्यिक सरोकार, राजनीतिक, संगीत में रुचि से लेकर सरल बने रहने की कला मैंने पूज्य पिताजी से ही सीखने की कोशिश की, उनका प्रतिबिंब बनने का प्रयास किया। जीवन की समस्याओं को सुलझाने के जो अद्भुत एवं बेमिसाल सूत्र पूज्य पिताजी ने मुझे दिए, वो मेरे जीवन में बहुत काम आए। ये पहला समर्पित। उसके बाद दूसरा, ये पुस्तक आपके लिए निम्न कार्य करेगी। इसमें मैंने लिखा, कई बातों, आदतों, कार्य को शुरू करने के लिए आप सोच रहे थे, उसके लिए प्रेरित करेगी। अनावश्यक बहस बचने, शिकायतों सुलझाने में आपको मजबूत सहायता करेगी। फिर ये जीवन प्रबंधन का एक टाइटल लिया, विलियम शेक्सपियर को इसमें कोट किया। उसके बाद अगला आता है, मेरे आराध्य जो कि भगवान शिव हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में लाइफ मैनेजमेंट का कोई परफेक्ट उदाहरण है तो वो भगवान शिव हैं। चूहे को खाने वाला सर्प, सर्प को खाने वाला मोर, बैल को खाने वाला शेर, इन सबको इकट्ठा हर्ष में साथ रखने की कला, यानी विपरीत स्वभाव और परिस्थितियों में भी जो बैलेंस होता है वो भगवान शिव में सबसे बेस्ट होता है। ये मेरे आराध्य के ऊपर हैं। उसके बाद अपनी बात में मैंने लिखा, ये अनुक्रमणांक हैं। इसमें 9 हेडिंग्स पे लिखा, एक जो कि मेरे यूट्यूब चैनल बातों के बतासे से नाम से, उसी में मैंने 21 पॉइंट्स लिखे हैं। फिर पिता की सीख, यानी मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे कुछ ऐसे सूत्र दिए, उसको मैंने इस पुस्तक में लिखा है। और मैं एक दावा करता हूँ कि आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन 2 मैंने इसमें नई बातें जोड़ी। ये केवल किताब नहीं है, इसमें अंत में एक टाइटल है मुहिम, जिसमें हम एक कोई मुहिम चालू कर रहे हैं, अभी आपको आगे बताएंगे। और एक मैंने इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जोड़ा, आप भी लेखक, जो पढ़ने वाला है उससे भी मैंने कहा आप भी लेखक हो सकते हैं। ये सही है कि लेखक हर व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन मैंने उस पॉइंट्स को जोड़ा। आपसे आगे चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक मैंने स्पेशलिटी रखी, उम्र 40 के पास, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा। सबसे पहली हेडिंग आती है फैमिली मैनेजमेंट, ये फ़ोटो भी मेरा सेलेक्ट किया हुआ है। मैंने सोचा बुक को इंटरेस्ट बनाने के लिए, उसको तुरंत समझ में आए तो उसको परिवार, फैमिली मैनेजमेंट कैसे करें, पहली हेडिंग है। ये उससे रिलेटेड हैं, कुछ विद्वानों की मैंने इसमें कोट भी किया है। आगे इसके बाद मैंने हर एक हेडिंग के बाद कुछ पॉइंट्स को लिखा। जैसे परिवार वाले में 3rd नंबर पर पॉइंट है, संस्कार एवं व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इसलिए लोग रिश्ता करते समय जरूर पूछते हैं परिवार कैसा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है फिर फिनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा खुदा तो नहीं परंतु खुदा से कम भी नहीं, ये इसमें है, पैसे का मैनेजमेंट कैसे करें। और इसके मैंने फिर 9 पॉइंट्स लिखे हैं, या लिखा भी 3rd पॉइंट में, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पैसा खर्च ही नहीं किया जाए तो पैसे के होने का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट हेडिंग आती है मेंटल मैनेजमेंट, मानसिक। निदा फाजली साहब कहते हैं कि कहीं किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता, तेरे जहाँ में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहाँ उम्मीद हो उसकी वहाँ नहीं मिलता। ये मेंटल मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी है व्यक्ति का मानसिक प्रबंधन। ये इससे रिलेटेड 7 पॉइंट हैं।
पहला पॉइंट मैंने लिखा, हर वक्त अपना मानसिक शोषण मत करिए, कभी कभी अपने आप को पुरस्कृत भी करिए, निर्णय लीजिए और आवश्यक यह है कि कभी कभी निर्णय ठीक भी हो। फिर हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर आता है, अरे जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो सारी दुनिया की खुशियाँ बेकार। हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर टिप्स हैं, ये उसके 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, स्वस्थ रखने का मूलभूत सिद्धांत प्राकृतिक होता है एवं प्रसन्न रहना होता है, यानी खुश रहना और प्रकृति के नज़दीक रहना, ये स्वास्थ्य का प्रबंधन है। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स। आप कितनी संपत्ति के मालिक हैं ये कैसे पता लगेगा? डॉक्यूमेंट्स, कागज़ बताएगा। आपका आपकी पति या आपकी पत्नी से तलाक हो गया, ये कौन बताएगा? डॉक्यूमेंट्स, कागज़। ये मैंने इसमें लिखा कि इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह से रखा जाए। इसके 7 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट्स में से कोई सा भी आप इसमें देख सकते हैं। जैसे एक लिखा कि कम से कम एक छाया प्रति प्रत्येक कागज़ की अवश्य होनी चाहिए, आजकल रंगीन फोटो स्टेट का भी चलन है। उसके बाद आता है सोशल। आदमी एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के हमारे जीवन में कुछ नहीं। बहुत से लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उनको सोशल मैनेजमेंट करना नहीं आता, समाज में उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती, तो उसके लिए भी है। इससे रिलेटेड 7 पॉइंट हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा सालों में बन पाती है, इसमें आपकी पिछली पीढ़ी का भी योगदान रहता है, अतः इसे बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। फिर सेल्फ मैनेजमेंट, सबसे महत्वपूर्ण। लोग जो हैं स्वयं का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, बहुत सी चीज़ों का मैनेजमेंट करना आता है। अरे ज़िंदगी व्यक्ति को एक बार ही मिलती है और उसका भी यदि हम मैनेजमेंट ना कर पाए तो उससे क्या लाभ। इसमें मैंने तुलसीदास जी का भी लिखा कि मैनेजमेंट के लिए तुलसीदास जी ने भी लिखा कि निर्मल मंजन सोई मोई पाहा, मोए कपट छल छिद्र न पाहा। सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड 10 पॉइंट्स हैं। 10वां पॉइंट, आपके बच्चे अपना खुद का साम्राज्य खड़े करें, अपनी खुद की पहचान बनाएं, इसके लिए उन्हें प्रेरित करिए, न कि इस बात के लिए कि आपने उनके लिए साम्राज्य बना के छोड़ दिया। फिर लास्ट में डेथ मैनेजमेंट, बहुत छोटा मैंने लिखा। एक सीन है, 4 लोग कांधा दिए जा रहे हैं, दुनिया में एक ही सत्य है, मृत्यु। जो आया है वो जाएगा। हालांकि इस टॉपिक पर हम बात करना उचित नहीं समझते, लेकिन ये हमारे जीवन की एक सच्चाई है। हमारे घर में एक ऐसा कार्यक्रम होना है जो हमारे लिए होगा, हमारे लोगों द्वारा होगा, लेकिन उसमें हम नहीं होंगे। ये डेथ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। बातों के बतासे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और इसमें मैंने 21 पॉइंट्स लिखे। जैसे एक पॉइंट नंबर 2 है, इसको मेरी तरफ करिए कैमरे को, ऐसी जगह जहां हमें कील या कांटे चुभते हों, या तो हमें उन्हें उखाड़ देना चाहिए, या फिर ठोंक के ठीक कर देना चाहिए, या फिर उस जगह को छोड़ देना चाहिए। ये बातों के बतासे में मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे 14 नंबर पे पॉइंट है, लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, इट मीन्स आप बेवकूफ़ हैं। फिर आगे बढ़ते हैं पिता की सीख। मेरे फादर से रिलेशन बियॉन्ड द वर्ड्स थे, मैंने कई बार कहा, शब्दों से परे, और उन्होंने बेहद निजी सूत्र मुझे दिए। ये 9 सूत्रों को मैंने लिखा। 9वां है राजनीति को लेकर, मेरी तरफ करिए, खासकर चुनावी राजनीति के लिए हमेशा गरीब एवं कमज़ोर व्यक्ति की मदद करो, ये मेरे फादर ने मुझसे कहा। चुनावी राजनीति के लिए तुम्हारी ज़रूरत या फिर चुनाव लड़ने के समय कमज़ोर व्यक्ति तुम्हारे साथ अधिक मजबूती से खड़ा होगा, बड़े एवं स्थापित लोग इस स्थिति में आपका साथ छोड़ सकते हैं, परंतु कमज़ोर एवं सताया हुआ व्यक्ति नहीं छोड़ेगा। इसलिए भगवान राम ने बाली की जगह सुग्रीव को चुना। वो चाहते तो सुग्रीव राजा थे, उनको चुन सकते थे, लेकिन उसको उन्होंने नहीं चुना। फिर जैसे मैंने बताया, 2 नई चीज़ें, मुहिम, फ़ोटो दिखाइए, ये बुज़ुर्ग बैठे हैं। इसमें मैंने पॉइंट नंबर 2 पे लिखा, अक्सर हमें रोड किनारे फुटपाथ आदि पर कुछ निशाए एवं बुज़ुर्ग कुछ बेचते हुए मिल जाते हैं, वो भीख नहीं मांगते, अपना कार्य करते हैं, तो बिना ज़रूरत के भी लिए भी उनका सामान खरीद लीजिए, ये उनकी मदद होगी। इस तरह के कई पॉइंट्स मुहिम में। और जैसा मैंने बताया, आप भी लेखक, मैं चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति लिखना भी सीखे। इस पुस्तक में आपको क्या अच्छा लगा, किस बात से असहमत हैं, आप क्या बदलाव चाहते हैं, ये उसके लिखें। और अंतिम मेरा आगामी पुस्तकों की सूची है, लास्ट पेज मेरा इंट्रोडक्शन है। अमलेंद्र कुमार लोधी मेरी माता पिता का नाम है, मेरे यूट्यूब चैनल का बात है, और ये इस बुक का ISBN नंबर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। इस बुक को आप अमेजन से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बुक की कॉस्ट 150 रुपीज़ है और
फॉरेन में, विदेश में $10 इसकी कीमत है। तो ये था मेरी इस बुक को लेकर आपसे चर्चा। असली आनंद तो आपको बुक पढ़ने के बाद ही आएगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।